एनिमल। एनिमल फिल्म का सबसे बेस्ट सीन है ये मशीन गन वाला सीन, जिसे देखकर सिनेमा हॉल में तालियां और सीटियां बजने लग पड़ी। ऐसा ही मेल खाता एक सीन हमने KGF चैप्टर 2 में देखा था, जब रॉकी भाई एक गन के साथ पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा देते हैं। उस गन का नाम फिल्म में बड़ी माँ दिखाया गया था, लेकिन एनिमल फिल्म में जो मशीन गन दिखाई गई उसने तो सबके होश ही उड़ा दिए। फिल्म के इस सीन को लेकर एनिमल के प्रोडक्शन डिजाइनर सुरेश सेल्वराजन ने साफ किया है कि 500 किलोग्राम की ये मशीन गन है। जी हाँ, इस मशीन गन का वेट जो है वो 500 केजी है, और 4 महीने की मेहनत के बाद इसे स्टील से बड़े ही ध्यान से तैयार किया गया है। एनिमल फिल्म में ये मशीन गन कोई VFX का कमाल नहीं है, ना ही कंप्यूटर जनरेटेड एमेजरी है। सेल्वराजन के मुताबिक ये बड़ी मशीन 18 मिनट लंबे एक्शन सीक्वेंस में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार की गई थी। ये इंडिया सिनेमा में किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। उन्होंने इस मशीन गन को बनाने का क्रेडिट डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के विजन को दिया है, जिन्होंने ये 500 किलोग्राम की मशीन गन को बनवाया, और इसे बनाने के लिए 100 लोगों की मदद लगी और कई महीने इस पे काम किया गया। रणबीर कपूर ने भी सुरेश सेल्वराजन की बनाई गई इस मशीन गन को पहली बार देखने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा और सुरेश सेल्वराजन के बीच कमाल कोलैबोरेशन को स्वीकार करते हुए प्रोडक्शन की ऑथेंटिसिटी की तारीफ की। रणबीर ने कहा था, हम सेट पर असली हथियार इस्तेमाल नहीं करते। जब हम लंबे समय तक शूटिंग करते हैं तो हमें अपने शरीर और कानों पर इतनी बड़ी मशीन चलाने के असर के बारे में सोचना चाहिए। मुझे उस सीन की कल्पना करनी थी। गोलियां असली नहीं बल्कि नकली थी। यही सिनेमाई दुनिया का जादू है। इस फिल्म के सीन में आपने एक गैंग ग्रुप देखा होगा, जो गैंग रणबीर कपूर को मारने के लिए होटल में दाखिल होती है। इस गैंग ने मास्क पहने हुए थे। संदीप रेड्डी वांगा का विजन देखिए, पूरे 800 मास्क इस गैंग ग्रुप के लिए तैयार किए गए थे। तभी तो ये एक दमदार सीन फिल्माया गया था, जिसे देखकर थिएटर में तालियां और सीटियां बजने लगी। आपको एनिमल फिल्म का ये सीन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।